क्रिकेट दुनिया का एक ऐसा खेल है जिसमें अगर आप कामयाब हो गए तो कुछ ही समय में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश के खिलाड़ी हैं, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, तो सामने कुछ देश ऐसे भी है जो उनकी क्रिकेट टीम को बहुत कम पैसा देता है। जैसे कि शायद आपको याद होगा 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों को पूरे वर्ल्ड कप खेलने के सिर्फ $250 मिले थे, जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए बहुत ही कम है। इसलिए उनका एक खिलाड़ी नाराज हो गया और वर्ल्ड कप के बाद उसने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, उसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पर मैंने कहा ना कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी है जो अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि कौन सा देश अपने खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा सैलरी देता है, तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच में कितने पैसे मिलते हैं, वनडे मैच में कितने पैसे मिलते हैं और 2020 मैच में कितने। उसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी शतक लगाता है या सबसे ज़्यादा विकेट लेता है तब उसका देश उस खिलाड़ी को कितना पैसा देता है। ऐसे कई मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रिकेट खेलने वाले हर देश का अपना एक क्रिकेट बोर्ड होता है और उसकी एक समिति होती है जो समय समय पर इन खिलाड़ियों की सैलरी ऊपर नीचे करती रहती है। और इसके अलावा इस वीडियो में अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड द्वारा उनके खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सैलरी में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो इस वीडियो में जो डेटा दिखाने वाला हूँ वो साल 2018-19 के हिसाब से दिखाया जाएगा और कुछ समय बाद यह डेटा बदल भी जाएगा या बदल भी सकता है। और अमेरिकी डॉलर में मिलने वाली सैलरी का हमने एक अमेरिकी डॉलर बराबर 70 रुपए के हिसाब से गिना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे भारत की बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने साल 2018 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को जो सैलरी दी जाती थी उस राशि को फिर से बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर BCCI सभी खिलाड़ियों को एक समान राशि नहीं देता, बल्कि चार अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें जो खिलाड़ी A+ कैटेगरी में आता है उस खिलाड़ी को एक साल के 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके बाद A कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ी को एक साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके बाद B कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ी को एक साल के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं और आखिरी C कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ी को एक साल के 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये तो बात हुई सालाना कितना मिलता है। अब हम बात करेंगे कि टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच या वनडे मैच और T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी को हर मैच के लिए कितने रुपए मिलते हैं। BCCI को पूरी दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। आप अनुमान लगाएं कि सिर्फ IPL के मीडिया राइट्स बेचने से BCCI को मुनाफे में 500% तक की बढ़ोतरी हुई है। और साल 2018 की बात करें तो BCCI का सरप्लस 2017 करोड़ हो गया है। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि स्टार इंडिया ने 5 साल के लिए यानी साल 2018 से साल 2022 तक IPL के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं, जो हर मैच के हिसाब से लगभग 54.5 करोड़ रुपए या फिर 3287.5 करोड़ रुपए हर साल है। तो आप 5 साल का कैलकुलेशन करें और हिसाब लगाएं कि BCCI को IPL से कितने रुपए मिलेंगे। तो अब बात करेंगे टेस्ट मैच की। भारत के प्रत्येक खिलाड़ी को हर टेस्ट मैच खेलने के लिए $23,000 मिलते हैं और $23,000 को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो वो भी 70 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से, तो उस खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 16,10,000 रुपये दिए जाते हैं। अब एक दिवसीय मैच, हर वनडे मैच के लिए लगभग $9,000 मिलते हैं, जो भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 6,30,000 रुपये के आसपास होता है। वो 2020 मैच, वैसे तो एक 2020 मैच 3 या 4 घंटे में खत्म हो जाता है, इसीलिए इस मैच में जो पैसा मिलता है वो एक दिवसीय मैच में जो पैसा मिलता है उससे आधा ही होता है। मतलब भारत के क्रिकेट खिलाड़ी को हर 2020 मैच खेलने के लिए $4,500 मिलते हैं, जो भारतीय रुपए के हिसाब से
315,000 रुपए होते हैं। तो अब हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे। बीते साल यानी साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को कुल 22 अरब रुपए का मुनाफा हुआ था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनके खिलाड़ियों को पैसा भी उतना ही देता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उनकी टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, जो आज उनके कप्तान नहीं है, लेकिन जब वे कप्तान थे तब उनको 1.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर देता था, जो पूरी दुनिया में एक क्रिकेट के खिलाड़ी को मिलने वाले सबसे ज्यादा पैसे थे। और उसके बाद जॉय रूट आते हैं, जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, जिसे इंग्लैंड बोर्ड से 1.38 मिलियन डॉलर मिलता है। और फिर तीसरे नंबर पर भारत के विराट कोहली, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, जिसे BCCI 1 मिलियन डॉलर देता है। लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट में कितने कितने पैसे देते हैं उनके खिलाड़ियों को। सबसे पहला टेस्ट मैच, तो यहाँ पर एक खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 14,000 डॉलर दिए जाते हैं, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 980,000 रुपए होते हैं। उसके बाद एक दिवसीय मैच, तो यहाँ एक वनडे मैच के लिए 7,000 डॉलर दिए जाते हैं, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 4,90,000 रुपए होते हैं। और 2020 मैच की बात करें तो एक T20 मैच खेलने के लिए हर खिलाड़ी को 5,000 डॉलर मिलते हैं, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 3.5 लाख रुपए होते हैं। उसके बाद हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, तो साल 2017 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कुल मुनाफा 9.11 अरब रुपए था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को अच्छी सैलरी देता है। और साल 2016 की बात करें तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कुल संपत्ति 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट में अपने खिलाड़ियों को कितनी सैलरी देता है। तो सबसे पहले टेस्ट मैच की बात करेंगे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने एक खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 16,200 डॉलर देता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 11,34,000 रुपए होते हैं। उसके बाद एक दिवसीय मैच, तो एक वनडे मैच के लिए हर खिलाड़ी को 6,750 डॉलर मिलते हैं, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 4,72,000 रुपए के आसपास होते हैं। और 2020 मैच, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने हर एक खिलाड़ी को हर 2020 मैच के लिए 3,400 डॉलर देता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 2,38,000 रुपए होते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, तो अफ्रीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड की कुल संपत्ति 69 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कम कमाई करने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड जो कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि दो साल पहले यानी साल 2016-17 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को 159 मिलियन रेंड का नुकसान हुआ था। लेकिन सामने बीते साल यानी साल 2017-18 में अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को 350 मिलियन रेंड का फायदा भी हुआ था। अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की कमाई इसलिए कम है क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत टेलीविजन अधिकार यानी मीडिया कॉपीराइट और उनकी टीम द्वारा विदेशी द्वारा पर की गई कमाई है। तो अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट में अपने खिलाड़ियों को कितनी सैलरी देता है। तो सबसे पहले टेस्ट मैच की बात करें तो अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड अपने हर एक खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 6,925 डॉलर देता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 4,80,000 रुपए के आसपास होता है। उसके बाद एक दिवसीय मैच की बात करें तो अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड एक वनडे मैच के लिए अपने हर एक खिलाड़ी को 1900 डॉलर देता है, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,33,000 रुपए होते हैं। और आखिर में 2020 मैच की बात करें तो अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड अपने हर एक खिलाड़ी को हर 2020 मैच के लिए 911 डॉलर देता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए से ज्यादा होता है। और इस लिस्ट में आखिरी देश न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की कमाई बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट में अपने खिलाड़ियों को कितनी सैलरी देता है। तो सबसे पहले टेस्ट मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अपने हर एक खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 5,900 डॉलर देता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 4,13,000 रुपए होते हैं। उसके बाद एक दिवसीय मैच की बात करें तो वनडे मैच के लिए 2,500 डॉलर दिया जाता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 1,75,000 रुपए होते हैं। और आखिर में T20 मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अपने हर एक खिलाड़ी को हर एक T20 मैच खेलने के लिए 1,650 डॉलर देता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से
115,500 रुपए होते हैं। तो इस तरह से ऊपर दिए गए आंकड़ों से आपने ये जाना कि दुनिया के ज्यादातर देशों में क्रिकेट खिलाड़ी को एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, और देश के आम लोगों के लिए इतना पैसा कमाना मतलब कई सालों तक की कड़ी मेहनत। और ये जो सैलरी मिलती है वो सिर्फ मैच खेलने के लिए मिलती है। इसके अलावा कभी कभार कोई खिलाड़ी मैच के दौरान जब बेहतरीन प्रदर्शन करता है तब उसे मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड के साथ लाखों रुपए दिए जाते हैं, वो तो अलग ही है। जैसे कि यदि भारत का कोई खिलाड़ी वनडे या टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाता है तो उसको 5 लाख रुपए अलग से बोनस के रूप में मिलते हैं, फिर चाहे वह किसी भी ग्रेड का हो। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने पर 7 लाख रुपए, और बॉलर्स की बात करें तो 5 विकेट लेने पर 5 लाख रुपए, और यदि कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेता है तो उसको इनाम के तौर पर 7 लाख रुपए अलग से मिलते हैं। पर देश के हर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्रिकेट को कुछ ज्यादा ही अहमियत दी जाती है। इसीलिए ये बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हमारे देश में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने वाले ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो आज भी मजदूरी करके अपना जीवन बिताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।